तो और मेरे भाई लोग कैसे, और तुम फिर से बोला चुको आप लोग लिए बीजेएमआई की और भी कमाल की वीडियो लेकर। तो भाई क्या आप लोगों को पता है टीडीएम में हेडशॉट कनेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मजल कौन सा होता है? बैरल एक्सटेंडर या सप्रेशर या फ्लैश होल्डर या भाई कॉम्पनसेटर, कौन सा बेस्ट होता है? क्या भाई लोग आप लोगों को पता है? अगर भाई लोग आप लोगों को नहीं पता तो टेंशन मत लो भाई, इस वीडियो में आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। इस वीडियो में हम यहाँ पे भाई बात करने वाला है टीडीएम में भाई हेडशॉट ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करने के लिए कौन सा मजल बेस्ट होता है। अगर भाई लाखों कोशिश करने के बाद भाई आपका टीडीएम में हेडशॉट कनेक्ट नहीं हो रहा है तब भाई कोई बात नहीं, अब इस वीडियो को भाई पूरा पूरा देख के जाना, सब कुछ भाई आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है एंड आप भाई ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट भी मार पाओगे। तो यह इस वीडियो को भाई आप लास्ट तक जरूर से देखते रहना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो लोग चले यहाँ पे ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाई बात करने वाले हैं फ्लैश हाइडर के बारे में, और मैं भाई लोग आप लोगों को लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा क्लोज रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज में भाई कौन सा मजल कैसा परफॉर्म करता है, सब कुछ भाई लोग मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास M416 है एंड सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लैश हाइडर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले भाई आप यहाँ पे देख लो कि मेरा जो एम असिस्ट है वो भाई यहाँ पे ऑन है, कहा गया एडवांस कंट्रोल में गया एंड यहाँ पे भाई आप देख सकते हो मेरा एम असिस्ट भाई ऑन है। ओके तो चलो भाई यहाँ पे हम थोड़ा हिफायर देने की कोशिश करते हैं एंड जैसा कि भाई आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके तो भाई पहली बार में फ्लैश हाइडर ने भाई काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, हेडशॉट भी भाई अच्छा खासा कनेक्ट यहाँ पे हो रहा था, लेकिन इस चीज को भाई मैं यहाँ पे फिर से टेस्ट करना चाहता हूँ, तो चलो फटाफट। ओके तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपने टीममेट को फिर से एक बार सामने की तरफ खड़ा कर दिया और यहाँ पे भाई फ्लैश होल्डर ने दोबारा अच्छा खासा परफॉर्म किया। लेकिन एक चीज मैंने आप लोगों के सामने भाई दो दो बार ट्राई किया इस चीज को, लेकिन मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे हेडशॉट का जो परसेंटेज है वो भाई थोड़ा सा कम है। तो चलो भाई फ्लैश हाइडर का जो मिड रेंज है वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ओके जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने टीममेट को भाई थोड़ा सा दूर यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो भाई सबसे पहले फ्लैश हाइडर में एम असिस्ट कैसा काम करता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके तो चलो भाई थोड़ा सा हेड के आसपास यहाँ पे टैप टैप करके देख लेते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे फ्लैश हाइडर में भाई एम असिस्ट अच्छा खासा काम नहीं कर रहा। तो चलो भाई यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं पैर की तरफ चला के कि यहाँ पे खींचता है कि नहीं एम असिस्ट, लेकिन भाई नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो अगर भाई आप फ्लैश हाइडर लगा के दूर स्प्रे वगैरह मारना चाहते हो तब भाई आप एम असिस्ट पे भाई बिल्कुल भी भरोसा मत करना। फ्लैश हाइडर लगा के अगर भाई आप बंदों को गोली कनेक्ट करना चाहते हो तब क्या करना होगा आप लोगों को, भाई जो क्रॉस ईयर है वो भाई बंदों के हेड पे या फिर चेस्ट पे लेके जाना होगा आप लोग। तो भाई यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि फ्लैश हाइडर ने भाई मिड रेंज एंड क्लोज रेंज में कैसा परफॉर्म किया। फ्लैश हाइडर को अगर भाई आप लॉन्ग रेंज में यूज करते हो तब भाई उसका एडवांटेज भाई मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। भाई फ्लैश हाइडर का मतलब क्या होता है, वो भाई फ्लैश को हाइड करता है। आपको पता होगा भाई जब आप फायर वगैरह करते हो तब भाई क्या होता है, गन के मुंह पे भाई आग जलता है। अगर आप भाई फ्लैश हाइडर यूज करते हो तब वो वाला आग नहीं जलेगा एंड दूर वाला जो बंदा है वो भी भाई आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ओके तो चलो भाई हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैरल एक्सटेंडर के बारे में, ये मजल भाई कैसा परफॉर्म करने वाला है मेरे को भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि भाई मैं इस वाले मजल को बिल्कुल भी यूज नहीं करता। ओके तो सबसे पहले भाई आप इसका हिफायर देख लो। ओके तो जैसा कि भाई लोग आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसमें तो भाई हेडशॉट कनेक्ट हुआ, लेकिन जो हेडशॉट कनेक्ट हुआ वो भाई एकदम एंड में कनेक्ट हुआ, बंदा फिनिश होने की जस्ट पहले भाई इसमें हेडशॉट कनेक्ट हुआ। लेकिन भाई एक बात, बैरल एक्सटेंडर भाई क्लोज रेंज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो चलो भाई फिर से एक बार आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑलराइट तो जैसा कि भाई लोग आप लोगों ने अभी देखा इसमें जो हेडशॉट का परसेंटेज है वो भाई बहुत ही कम है, मेरे हिसाब से भाई क्लोज रेंज में लगभग 20% के आसपास भाई इसमें हेडशॉट कनेक्ट होता है। अब एक चीज भाई टीडीएम खेलते टाइम आप बैरल एक्सटेंडर को भाई कभी भी यूज मत करना, आप भाई जितना भी चाहो भाई इसमें हेडशॉट कनेक्ट नहीं होगा। ओके तो चलो भाई मिड रेंज में ये वाला मजल कैसा परफॉर्म करता है वो भी भाई लोग मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके तो चलो भाई हम यहाँ पे थोड़ा एम असिस्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई हम आसपास थोड़ा सा टैप टैप करते हो यहाँ पे मैं, तो जैसा कि भाई लोग आप यहाँ पे देख सकते हो एम असिस्ट तो भाई इसका मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा। लेकिन भाई एक चीज, ये जो बैरल एक्सटेंडर है ये भाई बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अगर भाई आपका एम ठीक ठाक है एंड थोड़ा सा दूर अगर भाई आप रेड डॉट लगा के स्प्रे मारते हो तब भाई बैरल एक्सटेंडर बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर भाई आप क्रॉस ईयर को चेस्ट के आसपास रख के भाई अगर आप स्प्रे दे तो तब ये क्या करता है, डायरेक्ट भाई हेडशॉट कनेक्ट होता है। लेकिन भाई टीडीएम में स्टेबिलिटी का क्या ही करना, और एक चीज भाई आप टीडीएम में भाई बैरल एक्सटेंडर को यूज मत करो। ओके तो चलो भाई हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा सबसे फेवरेट मजल कॉम्पनसेटर के बारे में। अब भाई आप लोगों को तो पता है कॉम्पनसेटर कितना ज्यादा पॉपुलर मजल है, लेकिन अब भाई हम यहाँ पे इसका रियल टेस्ट करने वाले हैं मिड रेंज एंड क्लोज रेंज में भाई ये वाला मतलब ये वाला मजल कैसा परफॉर्म करता है वो है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ओके तो सबसे पहले भाई आप इसका हिफायर यहाँ पे देख लो।
तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कंपनसेटर ने भाई क्लोज रेंज में हिपफायर में भाई अच्छा खासा परफॉर्म किया। लेकिन भाई मैं यहाँ पे इस चीज को फिर से एक बार यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने टीममेट को फिर से एक बार सामने की तरफ खड़ा कर दिया और अब भाई फिर से एक बार इसके हिपफायर देख लो। तो जैसा कि भाई सब आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनसेटर भाई क्लोज रेंज हिपफायर में अच्छा खासा काम यहाँ पे कर रहा है। जिगल करते हुए भाई कंपनसेटर यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। ओके तो चलो भाई हम यहाँ पे इसका मिड रेंज आप लोगों को दिखा देते हैं। ओके तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसका यहाँ पे एम असिस्ट को चेक करने वाला है। तो भाई चलो एनिमी के आसपास भाई यहाँ पे थोड़ा टप 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 कर लेते हैं। तो जैसा कि भाई लोग आप यहाँ पे देख सकते हो एक चीज मैंने भाई लोग यहाँ पे महसूस किया कॉम्पनसेटर भाई चेस्ट की तरफ एम को खींचता है, ये बात तो है। अब भाई एक चीज जो कॉम्पनसेटर है वो एक क्लोज रेंज के लिए अच्छा है, मिड रेंज के लिए भी अच्छा है, लेकिन भाई जो मतलब लॉन्ग रेंज है उसके लिए भाई सबसे ज्यादा बेस्ट है कॉम्पनसेटर। ओके तो अब भाई लोग मैं आप लोगों को जो मजल दिखाऊंगा वो मेरे हिसाब से भाई हिपफायर और हेडशॉट के लिए बेस्ट है और वो होने वाला है भाई सप्रेशर। अब ये सप्रेशर भाई कैसे परफॉर्म करता है वो मैं भाई लोग आप लोगों को अभी अभी दिखाऊंगा। ओके तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे दोस्त के पास से भाई सप्रेशर ले लेते हैं एंड उसके बाद भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके तो यहाँ पे भाई सब कुछ सेट है और अब भाई देखो, ओ भाई साहब साउंड सुना आप लोगों ने, भाई मेरे को तो लगता है भाई हर एक मतलब हर एक सिंगल बुलेट भाई हेड पे जाके लगा। लेकिन भाई एक बारी में आपको भी विश्वास नहीं होगा और मेरे को भी नहीं, तो चलो फिर से एक बार भाई ट्राई यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैंने फिर से एक बार बंदे को सामने की तरफ खड़ा कर दिया और लिटरली भाई साहब भाई सप्रेशर लगा के इतना ज्यादा हेडशॉट कनेक्ट हो रहा था ना भाई मैं क्या ही बताऊँ। अब भाई मेरे हिसाब से अगर भाई आप लोगों को क्लोज रेंज में हेडशॉट कनेक्ट करना है तब भाई सप्रेशर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। बाकी भाई सब कुछ आपके ऊपर है, अगर भाई आपको लगता है कि भाई फ्लैश होल्डर से तो भाई हेडशॉट ज्यादा कनेक्ट हो रहा है तो अब भाई फ्लैश होल्डर यूज कर सकते हो। अब मैं भाई लोग इसका थोड़ा मिड रेंज आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं सबसे पहले यहाँ पे एम एसएच को थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तो जैसा कि भाई आप यहाँ पे देख सकते हो एम एसएच भाई थोड़ा थोड़ा खींच रहा है, लेकिन अगर भाई आप कंटिन्यू बंदे पे स्प्रे मारोगे तब क्या होगा भाई कनेक्ट तो होगा गोली लेकिन फिर से भाई बंदे से हट जाएगा एम। मतलब भाई मिड रेंज में भाई सप्रेशर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई, स्टेबल नहीं रहेगा बिल्कुल भी। लेकिन भाई क्लोज रेंज में हिप फायर एंड हेडशॉट देने के लिए भाई ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। बाकी भाई आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा भाई मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। और फिलहाल भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से जाकर वीडियो में एक एक लाइक कर दो और हमारे चैनल पे अगर भाई लोग आप नए हो तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को तोड़ दो। तो यार मैं मिलता हूं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।